जी, आलोक जी दिख नहीं रहे गई। हाँ, वो उसे कुछ काम था तो बाहर गया है। आलिया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने हमसे झूठ कहा। जी, नागिनियाँ क्या कर रही है? राजेश जी, आपको पता था आपकी मम्मी यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? नहीं। और आलिया, तुमने भी मुझसे झूठ बोला? ना ना, देखो आप दोनों प्लीज शांत हो जाओ। दोनों के बीच की गलतफहमी दूर कराने के लिए तो यहाँ बुलाया आप दोनों को। हाँ सर, आप दोनों बात करके ना सारा झगड़ा खत्म कर दो। प्रिया जी, हो सकता है कि गलतफहमी हो गई हो। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने अपनी बहू को वहां सांप रखते हुए देखा था? हम क्या कह रहे हैं, ये कहा सुना सब माफ कर दीजिए और अपनी बहू से सुलह कर दीजिए, प्यारी बच्ची है। शालिनी बेटा, तुमने भी तो अपने सास को सांप रखते हुए नहीं देखा ना, तो फिर गुस्सा थूक दो, इनको माफ कर दो। मम्मी जी, शालिनी जी, हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज प्लीज मान जाइए ना शालिनी जी। आज रात 8 बजे मेरे शो पे आना, वहीं पर तुम्हारी मदर इन लॉ को भी बुला लेंगे, वो वहां आएगी, अपनी गलती मानेगी और तुमसे सॉरी भी कहेगी। That is my promise। धड़कन आपको आपकी बहू से छुटकारा दिला के रहेगी, उसका ऐसा हाल करेंगे कि उसे मानना ही पड़ेगा कि वो सांप उसी ने रखा है। नहीं, मुझे इसे कोई बात नहीं करनी है। हमें भी कोई शौक नहीं है इस नागिन से बतियाने का। अब जो भी बात होगी वो धड़कन जी के शो पे बात होगी। धड़कन के शो पे धड़कन, धड़कन, धड़कन। सलाम, नमस्ते, वेलकम, व्हाट्स अप? होठों में दबी बात कानों तक पहुंचाने, आपकी धड़कन को तेजी से धड़काने, आ गई है आपकी धड़कन। कोलूराम यूनिवर्सिटी के सौजन्य से खबर ऐसी जो चुभे तो टेटनिस का शॉट भी ना मिले। वैसे सदियां बदल गई, जमाने बदल गए, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है सास और बहू के झगड़े। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है ऐसी ही एक सास और बहू की जोड़ी। सो हियर प्रेजेंटिंग द सास मिसेस टुइया एंड द बहू मिसेस शालिनी। सास और बहू के झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इन दोनों ने झगड़ों की सारी हदें पार कर दी। इतनी बढ़ गई इन दोनों की नफरत कि इनमें से एक ने दूसरे को मारने की कोशिश की। जी हाँ, आज सुबह इनके किचन में पाया गया एक सांप। वो सांप वहाँ कैसे पहुँचा? क्या उसे आपने रखा या फिर वो तुम थी शालिनी? दोनों को एक दूसरे पर शक है, लेकिन कौन है किसकी जान का दुश्मन, आप बताइए। यही है वो नागिन जो हमें डसना चाहती है। आप मुझे डसना चाहती हैं? आप मुझे मारना चाहती हैं? मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे गोल गोल बाल घुमा के मेरे लल्ला को घुमा लोगी? जी तो आंटी जी और शालिनी का तमाशा बना रही है सबके सामने, क्या करूँ? मारना चाहती है? देखा, देखो देखो धड़कन जी, ये मुझे मारना चाहती है। मैं मारना चाहती हूँ? बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये आप लोगों का घर नहीं है, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा टुइया जी, आप हमें बताइए, आपको ऐसे क्यों लगता है कि शालिनी आपको मारना चाहती है? चा के अलावा हमें कौन मारना चाहेगा? और शालिनी तुम बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि टुइया जी तुम्हें मारने की कोशिश करेगी? कोशिश नहीं, पक्का इन्होंने ही किचन में सांप रखा था। अरे अपने लल्ला की शादी किसी और लड़की से करवा सके, मैं तो इनको पसंद ही नहीं थी कभी। तो देखा आप लोगों ने, मोटिव तो दोनों के पास है, लेकिन हु इज द रियल कल्प्रिट, जानना चाहती है आपकी धड़कन और शायद पूरा का पूरा आगरा भी।
तो हमें आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन है असली कल्प्रिट? आप हमारी वेबसाइट पे वोटिंग करके हमें बता सकते हैं। सास के लिए क्लिक करें एक और बहू के लिए क्लिक करें दो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पक्का सास ने किया होगा। हाँ। खबरदार, खबरदार बहू को किया तो। सास को करो, सास को करो, लेकिन करो। अरे सॉरी सॉरी, लगता है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे फर्स्ट कॉलर। लेट्स टेक द कॉल। टेल मी, गजब, तुम यहाँ भी आ गई, बताओ। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर दोनों में से किसी ने सांप नहीं रखा तो उस ऑप्शन के लिए कौन सा बटन दबाएं? यू नो व्हाट आलिया, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। What sort of a question is this? अगर वहाँ किसी ने सांप नहीं छोड़ा तो क्या वो सांप खुद ब खुद वहाँ आया, कैबिनेट में घुस गया और कैबिनेट बंद कर दिया? प्लीज लेट मी डू माई जॉब, थैंक यू। हेलो, वाह वाह धड़कन जी, वाह, क्या शो किया है जी। फिफ्टी मिले, देखा, ये तो टाई हो गया। गजब, तो जैसे कि आप लोग ने देखा, बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए वोट किया है, तो 50% ऑडियंस को ये लगता है कि सास की गलती है और 50% को लगता है कि बहू की गलती है। लेकिन हमें अब फाइनल रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, इसके लिए आप लोगों को आपकी धड़कन को कल तक के लिए रोक के रखना पड़ेगा, क्योंकि धड़कन तो कोई भी काम अधूरा छोड़ती नहीं है। तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए देखते रहिए देश की धड़कन। बाबू, तुमको क्या लगता है किसने किया होगा? देखो भाई, मारने हैं हम क्या पूछे। अरे जालिम, अगर हमें पता होता तो ये सब तमाशा अपनी आंखों के सामने देख रहे होते। हाँ। अच्छा तुम ही बताओ, तुमको क्या लगता है कौन है, बताओ। बाबू देखो, पूछ रहे तो बता रहे हैं, बुरा मत मानना। नहीं, बताओ बताओ। मुझे ना शालिनी जी पे शक है। माँ तो माँ होती है रे, वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे नहीं, माँ ने किया होगा, क्योंकि माँ जब सास बन जाती है ना तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि माँ भी कभी बहू थी। हाँ, तुम्हारी माँ। जालिम, माँ पे नहीं जाना। अरे अरे, वो फुसफुस उन्होंने करवाया ना भाई, कुछ भी बोलते हो, सुनो तो सही। बस तुम्हारी नंदन, तुम्हें क्या लगता है? सर, हमसे अगर पूछ रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि अम्मा तो एकदम बिल्कुल नहीं करेगी ये सब ना, और शालिनी भाभी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती है, सही बता रहे हैं। अरे प्रैक्टिकल बात यह है कि नाक को कहीं मन नहीं लग रहा होगा, किचन में आकर बैठ गई फुफका मारने। बाबू क्या बात कर रहे हो, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे सर, अगर वो नाग इच्छाधारी है तो पॉसिबल है। इच्छाधारी नाग? जालिम, इच्छाधारी नाग हमारे घर किस इच्छा से आया होगा? महाराज, वो अपनी नागिन के साथ ठाए करने आया होगा। अबका आप लोग जानते नहीं, बताते सुनिए। एक बार हुआ क्या था कि एक इच्छाधारी नागिन की शादी बिना उसके इच्छा के किसी और के साथ करा दिया गया। क्या वो नाग था? आप अपनी नाक बीच में ना घुसेड़े, कहानी हम जानते हैं कि आप जानते हैं? आप हा? तो आप चुप रहे, चुप रहो ना यार जालिम। बातें नहीं समझते हमारा बीच में। राजेश जी आप ध्यान दीजिए, हुआ यूं कि फिर उस इच्छाधारी नागिन से वो नाग डेली आके मिलने लगा उसके घर,
रोज आता था। एक दिन जब वो अपनी नागिन से मिलने आया तो पूरा खानदान मिलके उस नाग को घेर लिया, जमा हो गया उसके सामने। नाग भी डरा नहीं, वो फुफकारा मारा और सब पर हंसा और एक एक करके पूरे खानदान को डस और अपनी नागिन को लेके सुर्र हो गया। सुर? मतलब फुर्र हो गया। अरे मगर ये सारी कहानी से राजेश का क्या ताल्लुक? मतलब शालिनी भाभी इच्छाधारी नागिन है, वो भी सकता है और भदोरिया नाग। क्या बात कर रहे हो यार, याद करो हमने कभी किया क्या? ऐसे याद तो नहीं आ रहे हैं। तो फिर और जालिम, तुमने हमारी बेबी को नागिन कहा यार? क्या आदमी है ये आदमी, बात करने लायक है क्या? बात करने लायक है तो बेटा करो। अरे नागार्जुन सर। अरे नंदन, सच सच बताना, ये जो कुछ कहा वो कहा देखा तुमने? फिल्म में। अबे पहले बोलना चाहिए था ना कि फिल्म की बात कर रहा है। अरे सर, राजेश ये सारी बातों को सच नहीं मान बैठा होगा। सर मेरी बात सुनिए, राजेश खुद को नाग नहीं समझ रहा होगा। सॉरी सर मेरी बात, शाली भाभी को नागिन, अरे सर और माजी को पानी वाली नागिन। अरे सर सुन लीजिए ना, पहलवान को एनाकोंडा। अबे सुन लेना, सॉरी सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। मतलब शालिनी भाभी इच्छाधारी नागिन है? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, आए हो क्या? सांप सूंघ गया है? अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। शालिनी जी सच में इच्छाधारी नागिन तो नहीं है? क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ, कौन है नागिन? जालिम, नागिन, नागिन। आपने मुझे मुझे नागिन कहा? शालिनी जी। अच्छा तुमने मेरी बेटी को नागिन कहा, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। राजा जी। अरे कौन है भाई? अरे नंदन, आलिया जी आप? जी राजेश जी, हमने सोचा कि प्रॉब्लम से ऐसे दूर दूर घूमने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ समझ नहीं आया। मतलब हम एक बार आपका किचन देखना चाहते हैं। किचन? ठीक है आइए देखते हैं। अरे राजेश जी क्या हुआ? कुछ नहीं जालिम, अपनी किस्मत में पता है। राजेश सर सॉरी। हाँ वो उस समय नाग नागिन की कहानी सुनाए थे ना आपको, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। हाँ अरे बहुत पहले हमें वो फिल्म में देखे थे, ऐसा ही हो रहा था तो जोश जोश में आके उस दिन बोल दिए, है ना, उसको दिमाग में नहीं रखना है। क्या बात कर रहे हो यार जालिम, पूरी आप बता रहे हमको। अरे रे, उस वजह से कितनी सुताई हो गई हमारी। हमने शालिनी जी को नागिन भी कह दिया, हम छोड़ेंगे नहीं यार, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कमर बचाइए। राजेश जी इनको मारने से कुछ नहीं होगा, हम जब तक किचन में जाके सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे ना तब तक मैं साबित नहीं कर सकती कि आंटी जी और शालिनी दोनों बेकसूर हैं। आप इनको बाद में मार लेना। पूरी जिंदगी बेचारा कष्ट में रहा है।
आई 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 ध्यान से ये यहाँ पे था वो साहब हाँ नंदन जी ये खिड़की खुली रहती है हमेशा हाँ, तो शायद साहब यहीं से घुस के गैस के छेद से घुस गया हो नंदन जी फोटो लीजिए अभी कुछ पैसे ट्रांसफर किए बाद में और भी करूंगी मैसेज मिला हाँ आ गया धड़कन के चैनल पे आके तुम्हें क्या क्या बोलना है तुम समझ गए हो ना बिल्कुल समझ गया वैसे बोलना क्या था चलो पैसे वापस ट्रांसफर करो मुझे अरे मैडम आप तो बुरा मान गई मैं अक्सर भूल जाता हूँ बताइए क्या बोलना है सुनो ध्यान से तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे शो पे आके कैमरा पे तुम्हें कहना है कि वो जो सास है ना उसने तुम्हें पैसे दिए थे उस सांप को किचन में छोड़ने के लिए ओके बस इतनी सी बात अरे मैडम 10,000 रुपए के लिए मैं तो आपको भी नागिन बोल सकता हूँ चाटा जितना कहा है ना उतना ही करो शालिनी जी मम्मी जी हमें माफ कर देना हम जा रहे हैं सब कुछ छोड़कर हमने बहुत कोशिश की आप दोनों को मनाने की पर हम हार गए आप दोनों की इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की हो मगर दोनों तरफ से हार तो हमारी ही होगी हम तो यही चाहते थे ना कि आप दोनों हमारे साथ रहें क्योंकि आप दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं पर आपके बिना तो ये जिम्मेदारी हम नहीं निभा पाएंगे क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ी हुई है इसलिए हम जा रहे हैं सब कुछ छोड़कर हिमालय वाह कमाल राजेश जी कमाल चलिए फाइनल टेक करते हैं हा? क्या बात कर रहे हो यार जालिम कमाल तो तुम कर रहे हो मैसेज रिकॉर्ड ही नहीं किया अरे इतनी मेहनत लगाकर इतनी हिम्मत जुटाकर दिल से बोले थे बर्बाद कर दिया यार सब तुमने सॉरी सर वो एक बार और अरे क्या एक बार मूड खराब कर दिया यार तुमने एक बार सर सॉरी सॉरी अरे चुप रहो यार सर सॉरी वो हम बोलना चाह रहे हैं अरे चुप रहो ना अबे सॉरी बोला ना ये क्या है फोटोज है मैम वेरी फनी आलिया वो तो मैं जानती हूँ मेरे पास क्यों लेके आए हो मैम ये फोटो सबूत है कि शालिनी और राजेश जी की मम्मी बेकसूर है गजब आज शाम को आप वो सांप वाली मिस्ट्री का पर्दाफाश करने वाली है ना तो मैंने आपका काम आसान कर दिया इंटरेस्टिंग लेकिन धड़कन के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े अरे इनके इधर उधर के चक्कर में इनकी लाइफ इधर उधर हो जाती सॉरी सॉरी कोई बात नहीं राजेश तुम कर लो टेंशन मत हो जाएगा यार अरे एक लंबी सांस लो शुरू करते नंदन हाँ अभी नहीं नहीं समझा ना देख डांट दिया मैंने नहीं नहीं रहने दो बाबू हाँ तुमसे हो ही नहीं पाएगा ये जो तुम्हारा मोबाइल है ना ये बूढ़ा हो गया इतना हाई मोशन इससे रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा इसके लिए कोई प्रोफेशनल कैमरा चाहिए हाँ हाँ जालिम तुम बस करो यार जालिम ठीक है जाओ वहाँ टेबल पर एक वीडियो कैमरा रखा वो ले आओ चैनल वाला है तो उससे हो जाएगा अरे यार जाओ ना यार जा रहे हैं यार सब कोई तो लो ये भी नाराज हुआ है अरे डिस्चार्ज हुआ पड़ा है देखो जालिम दो दिन पहले तो फुल चार्ज किए थे यूज भी नहीं किया था अरे कोई बात नहीं है फिर से चार्ज कर लेते हैं लाओ हमको चार्ज करके आते हैं और वैसे भी धड़कन को बहुत अच्छे से पता है कि उसे कब कैसे और क्या करना है और अगर ये प्रूफ है भी तो क्या फर्क पड़ता है
लेकिन मैम, यू नो व्हाट आलिया, लोग ना सच सुनना ही नहीं चाहते. इनफैक्ट लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो अज्यूम करते हैं कि सच हो सकता है. धड़कन आज लोगों को वही दिखाएगी जो वो देखना चाहते हैं, वही सुनाएगी जो वो सुनना चाहते हैं. और वैसे भी आलिया, ये आपकी धड़कन है. कैरी ऑन आलिया. नहीं For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.